नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बाराबंकी में डबल मर्डर, रिवॉल्वर लहराते हुए हत्यारे, पत्नी को मारकर घर में दफनाया, छोटे भाई का गला रेता, अवैध संबंधों पर शक। बाराबंकी में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर घर में दफना दिया, फिर उसने अपने छोटे भाई का गला घोंट कर धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए पिता पर भी हमला किया गया। पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना शुक्रवार की है। जब घटना का पता शुक्रवार को तब चला जब छत पर खड़े होकर रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को गोली मार ली। गोली युवक के गले में जा लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्धा बाराबंकी के शुक्लपुर गांव के रहने वाले युवक का नाम विजय शुक्ला है। उसे शक था कि उसकी पत्नी और छोटे भाई के बीच अफेयर चल रहा है। इसी वजह से उसने दो दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। इसके बाद वो अपने भाई को मारने की योजना बनाने लगा। शुक्रवार की सुबह उसने भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे बचाने आए पिता पर भी हमला किया गया। हमले में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ग्रामीण जमा हो गए। घटना के बाद वो पिस्टल लेकर छत पर चढ़ गया। लोगों ने पुलिस को फोन किया लेकिन उसने तब तक खुद को गोली मार ली जब तक लोगों ने उसे रोक नहीं लिया। मौके पर बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज पांडे समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के भाई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिता को गंभीर और आरोपी विजय शुक्ला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अवैध संबंधों के शक में हुई पूरी घटना। इसके अलावा पुलिस ने घर से पत्नी का शव भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग पत ने कहा, फिलहाल पूरी घटना अवैध संबंधों के शक में हुई है। इसके अलावा घटना से जुड़े तमाम सबूत पुलिस जुटा रही है। गांव वाले से बात करने की कोशिश की जा रही है तथा जो भी तथ्य सामने आएंगे जांच में बाहर आ जाएगा, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेपी तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज लगभग 11:30 के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने छत पे चढ़ा हुआ है और वहाँ उसके हाथ में एक तमंचा है। इस सूचना पर पुलिस पहुँची थी मौके पर और जानकारी मिली कि उस व्यक्ति ने अपने भाई को और अपने बाप को घायल कर दिया है किसी धारदार हथियार से मार के। यहाँ पुलिस मौके पर पहुँची तो देखा जो उसके भाई हैं वो मृत थे। उनका जो भाई हैं, उनके जो पिता हैं वो घायल थे, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। उसी क्रम में ये भी जानकारी में आया जो उसने खुद ही चढ़े हुए छत से बताया कि जो उसकी पत्नी है उसको भी उसने दो दिन पूर्व मार के एक अपने ही घर में रख रखा है। उस पत्नी की डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने खुद को भी अपने आप को गोली मारी जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको भी अस्पताल लेके पुलिस ने भिजवाया है, जहां प्रथम दृष्टया अभी हम मौके पर हैं और यहां सभी जो एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि ये व्यक्ति जिसने सभी को मारा है, इसकी जो पत्नी है उनका इसको शक था कि उनके छोटे भाई से कोई संबंध है, जिसको लेके इसने बताया कि मैंने समझाया भी अपनी पत्नी को लेकिन इन लोगों के आपस में बातचीत बंद नहीं हुई। यही इसको कुछ दिमाग में कन्फ्यूजन था और उसको लेके इसने आज ये घटना को कारित किया है। ये प्रारंभिक कारण पता चला है। बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, गांव वालों से बातचीत की जा रही है। किसी भी अन्य डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में अवगत कराया जाएगा। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।